कोरोना के खतरे को लेकर स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। स्वास्थ्य केंद्र में 4 बिस्तर बेड की तैयारी पूर्ण। कोरोना को लेकर प्रदेश भर के अस्पतालों में मार्क ड्रिल हुई, जिसमें सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग अस्पतालों में खामियां नजर आई। इसी क्रम में आज पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, जिसमें आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें 4 विस्तरीय बेड मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया, जिसकी पर्याप्त सप्लाई मिल रही है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। के बाद पूरे प्रदेश में मॉकड्रिल हुई है हॉस्पिटलों की। पोहरी में सर, अगर कोरोना का ऐसा खतरा आता है सामने, तो क्या कुछ अपने यहाँ व्यवस्था है? अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड में 4 आइसोलेशन बेड हैं, उन पर ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था है। और हमारे यहाँ 27 दिसंबर को मॉकड्रिल हुआ था पीएससी प्लांट का, वो भी सुचारू अवस्था में है और कोई समस्या नहीं है। किसी भी तरह की आपदा के लिए निपटने के लिए हम तैयार हैं। सर, हॉस्पिटल में सर स्टाफ और दवाएं, क्या उनकी क्या कुछ स्थिति है? अभी स्टाफ और हर जगह थोड़ा स्टाफ की कमी तो है, लेकिन फिर भी हम सब तरह से तैयार हैं। दवाइयों की उपलब्धता भी संपूर्ण है अपने पास में। सर, जो जांच किट और जांच की भी यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जांच के लिए अपन यहाँ से सैंपल लेके हमें जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के लिए भेजना है। सर, अभी तक कोई ऐसा मामला आया है सामने? अभी इस दौर में भी कोई मामला नहीं आया है। और सर, जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसकी क्या कुछ स्थिति है? ऑक्सीजन प्लांट हमारा सुचारू रूप से चालू है, बीच बीच में हम उसे चला के चेक करते रहते हैं। और अभी 27 तारीख को हमारा मॉकड्रिल भी हुआ था, तो वो बिल्कुल चालू है, चालू अवस्था में है, कोई समस्या नहीं है। किसी भी आपदा से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर, अगर कोई ऐसी